टीवी के मशहूर एक्टर्स चारू असोपा और राजीव सेन की शादी में उथल पुथल मची हुई है। दोनों की शादी शुदा जिंदगी तलाक की कगार पर पहुंच गई है। खुद एक्ट्रेस ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि राजीव सेन संग उनकी शादी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके लिए उन्होंने पति पर आरोप भी लगाए। लेकिन शादी में आए तूफान के बीच भी चारू असोपा और राजीव सेन अपनी लाडली बेटी जियाना का जन्मदिन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो अपनी बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट करना नहीं भूले। दोनों ने बीते दिन बड़े ही धूमधाम से बेटी का पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया और इस बर्थडे पार्टी को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दोनों के बीच लड़ाई है या फिर इनका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है। क्या सच में ये दोनों अलग हैं या फिर ये दोनों ड्रामा कर रहे हैं, जिससे जुड़ी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं चारू असोपा और राजीव सेन की बेटी जियाना की इन फोटोज पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, नीतू की पलटन का नया ब्लॉग आ चुका है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो बेटी जियाना के जन्मदिन के खास मौके पर चारू असोपा ने ब्लैक ड्रेस पहनी थी, जिसमें उनका लुक देखने लायक रहा। एक्ट्रेस गोद में अपनी लाडली बेटी को लेकर पोज देती दिखाई दी। वही बर्थडे गर्ल जियाना की क्यूटनेस देख फैंस का दिल भी पिघल गया। उन्होंने चारू असोपा की पोस्ट पर जमकर जियाना को जन्मदिन की बधाई दी, इसके साथ ही इनकी क्यूटनेस की भी खूब तारीफ की। चारू असोपा ने बर्थडे गर्ल जियाना की फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया। इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, बर्थडे गर्ल की कुछ प्यारी प्यारी फोटोज। चारू असोपा की लाडली बेटी अपने पहले बर्थडे पर पापा राजीव सेन की गोद में भी दिखाई दी। एक्टर ने बेटी के साथ सेल्फी शेयर की है, जिसमें जियाना की क्यूटनेस देखने लायक थी। जियाना के जन्मदिन पर सेन परिवार एक साथ नजर आया। राजीव सेन ने अपने इंस्टाग्राम से कुछ फोटो शेयर किए, जिसमें सुष्मिता सेन की बेटी और अपने पिता के साथ दिखाई दिए। चारू असोपा और राजीव सेन ने भले ही बेटी जियाना का बर्थडे धूमधाम से मनाया हो, लेकिन दोनों एक ही तस्वीर में नजर नहीं आए। इस चीज को लेकर माना जा रहा है कि हो सकता है कि राजीव चारू ने जियाना का जन्मदिन अलग अलग मनाया हो। चारू असोपा और राजीव सेन की इन फोटोज को देखने के बाद फैंस उन्हें बेटी जियाना के खातिर रिश्ता संभालने की सलाह भी दे रहे हैं। यूजर ने लिखा, आप लोग कम से कम इस बच्ची के बारे में सोचिए, अगर जियाना से प्यार करते हैं तो इनके लिए थोड़ा समझौता भी करें। वही चारू असोपा तो अपनी बेटी के साथ घर में नजर आ रही हैं और देखा जाए तो राजीव सेन भी घर के किसी कोने में नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं राजीव सेन की ये फोटो ऐसी भी लग रही है कि वो किसी रेस्टोरेंट में गए हुए हैं अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। हो सकता है कि दोनों ने अलग अलग बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया हो। आप इन फोटोज को देखकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो चारू असोपा ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि कोई भी शादी को खत्म करने के इरादे से फेरे नहीं लेता है। मैं अपने फैसले पर पछतावा नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे में मैंने हर संभव कोशिश की कि मैं अपनी शादी बचा सकूं, क्योंकि ये मेरी दूसरी शादी थी। इन सब में मजाक तो मेरा ही बनना था, लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता शादी चल जाए। ये करते करते अब ये तमाशा बन चुका है। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ये शादी अब कभी काम नहीं करेगी। चारू असोपा ने बताया कि राजीव सेन की सबसे बड़ी परेशानी थी कि वो हर झगड़े के बाद उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते थे, उन्हें ब्लॉक तक कर देते थे। इस बारे में बात करते हुए चारू असोपा ने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है तब से हम झगड़ा ही कर रहे हैं। हर लड़ाई के बाद राजीव गायब हो जाते हैं और मुझे ब्लॉक कर देते हैं, जिससे मैं उन्हें कांटेक्ट ना कर पाऊं। लॉकडाउन से कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए अकेला छोड़ दिया था। मुझे एहसास हुआ कि वो 45 के हैं और उन्हें बदल नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी बेटी जियाना की खातिर कोशिश कर रही थी। टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा ने बताया कि राजीव सेन उन पर कई बार हाथ भी उठा चुके हैं और उन्होंने कहा कि राजीव का गुस्सा तो अजीब है। उन्होंने मुझे कई बार गाली दी और कई बार हाथ भी उठाया। उन्हें शक था कि उन्हें धोखा दे रही हूँ। अकबर का बाल वीरबल की शूटिंग के वक्त भी वो मेरे कोई स्टार को मैसेज करके उन्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहते थे। राजीव और चारू की लड़ाई अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। शायद इन्हें उम्मीद थी कि इनकी बेटी के बाद इनका झगड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन झगड़ा इनका दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब चारू ने पूरी तरह से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। आप इस कपल पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक इन दिनों झलक दिखला जा टैन में नजर आ रही हैं। रुबीना दिलैक ने शो में अपने डांस से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर शेयर की है जिसने फैंस के साथ साथ टीवी स्लैब्स को भी चिंता में डाल दिया। दिवाली के मौके पर रुबीना दिलैक को लेकर जो खबर आई है उसने सभी को शॉक्ड कर दिया। दरअसल डांस प्रैक्टिस के दौरान रुबीना दिलैक की गर्दन पर चोट लग गई। उन्होंने चोट से जुड़ी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है जिसमें गर्दन के आसपास बड़े बैंडेज लगे दिखाई दे रहे हैं। उनके इस पोस्ट को देखकर हर कोई दुआ कर रहा है कि रुबीना दिलैक जल्द से जल्द ठीक हो जाए। रुबीना दिलैक की पोस्ट में नजर आया कि एक्ट्रेस की गर्दन से लेकर कंधे पर बड़े बड़े बैंडेज लगे हुए दिखाई दिए। वही फोटो के साथ साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें दिखाया गया है कि डांस प्रैक्टिस के दौरान सनम के घुटने से रुबीना दिलैक की गर्दन पर चोट लग गई। इससे एक्ट्रेस नीचे गिर गई और कंधे पर हाथ रखकर दर्द से कराह रही हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए रुबीना दिलैक ने लिखा, और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। एंटरटेनमेंट क्वीन रुबीना दिलैक का पोस्ट देखकर स्लैब्स उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। जान कुमार शानू ने रुबीना को लेकर लिखा, जल्द से जल्द आप ठीक हो जाओ रूबी। वहीं एक्ट्रेस सिस्ट्री रोडे ने लिखा, ये क्या हुआ था। स्लैब्स के अलावा फैंस ने भी रुबीना दिलैक की सेहत के लिए चिंता जाहिर की। एक यूजर ने उन्हें देखभाल करने की सलाह लिखी है, रूबी अपना ध्यान रखो, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, जल्दी से आप ठीक हो जाओ बेबी। बता दें रुबीना दिलैक के इस पोस्ट को अभी तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और लोग लगातार उनकी हेल्थ को लेकर चिंता जता रहे हैं। मैं आपको बता दें रुबीना दिलैक कोई छोटी मोटी स्टार नहीं है, बिग बॉस की विनर भी रह चुकी हैं और टीवी इंडस्ट्री की क्वीन कही जाती हैं, और रुबीना दिलैक लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। आप रुबीना दिलैक के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड में इन दिनों दिवाली पार्टी का दौर चल रहा है। अभी हाल ही में प्रोड्यूसर रमेश तैरानी के घर दिवाली पार्टी हुई थी जिसमें कई स्टार्स पहुंचे थे। उसके बाद बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस कृति सैनन ने अपने घर पर दिवाली पार्टी का आयोजन किया था। इन सब के बाद अब फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने भी घर पर एक दिवाली पार्टी का आयोजन किया जिसमें सुहाना खान से लेकर अजय देवगन की पत्नी काजोल तक पहुंची। लेकिन रमेश तैरानी की पार्टी की तरह इस बार भी विकी कौशल और कैटरीना कैफ की जोड़ी ने महफिल लूट ली। तो चलिए उन फोटोज को दिखाते हैं जो कई लाइमलाइट में बनी हुई है। रमेश तैरानी की पार्टी की तरह मनीष मल्होत्रा के घर भी विकी कौशल और कैटरीना कैफ ट्रेडिशनल लुक में पहुंचे। इन दोनों की फोटो ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। वाकई कैटरीना हाथों में हाथ डालकर पार्टी में जब विकी कौशल और कैटरीना पहुंचे तो लोगों की नजरें इनसे हट ही नहीं रही थी। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ साड़ी पहनकर पहुंची थी जिसमें वो बेहद हसीन लग रही थी। साड़ी के लुक ने वाकई सबका ध्यान खींच लिया। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में विकी कौशल एकदम अलग लुक में दिखाई दी। ट्रेडिशनल ड्रेस में विकी बेहद हैंडसम लग रहे थे। इनके अलावा बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से मिलती नजर आ रही थी कैटरीना कैफ, और करिश्मा भी वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेड साड़ी में करिश्मा ने भी कहर ढा दिया।